हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माय सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है हम लोग बिहार सेवन्थ फेज जो है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन कर रहे थे। आपको क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो ये जो बिहार सेवन्थ फेज है इसमें आप सभी को पता है कि इसमें बिहार के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसमें जो बिहार का जीके है, जो बिहार का सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन है, उसे जानना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से रिलेटेड जो है इसमें क्वेश्चन अधिक देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने इसकी दो क्लास की है, जिसमें हमने इसके पहले की क्लास में हमने बिहार जनगणना जो है उसे हमने पढ़ा था, उसे हमने समझा था। तो जिसने भी उस क्लासेस को नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बिहार स्पेशल जीके जो है उसे कम्प्लीट करेंगे। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, बिहार को इसका नाम कैसे मिला था। अब जो बिहार है इसको बिहार नाम जो है वो कैसे मिला था, क्योंकि यह महावीर का कार्यस्थली था। क्या यह महावीर का कार्यस्थली था इसलिए इसको बिहार नाम मिला, क्योंकि यह गौतम बुद्ध का कार्यस्थली था इसलिए इसे बिहार नाम मिला, अधिक बोध बिहारों के कारण। अब यहाँ क्या है, अधिक बोध बिहारों के होने के कारण इसका नाम जो है वो बिहार हुआ, क्योंकि यहाँ बिहार शरीफ स्थित है। अब क्या ऐसा है कि यहाँ पे बिहार शरीफ स्थित है इसलिए से इसका नाम जो है वो बिहार पड़ गया? नहीं, ये तो आप सभी को पता है ये गलत है। बिहार शरीफ स्थित होने के कारण हमारे जो बिहार है ये नाम नहीं पड़ा था। तो क्या यह महावीर जो है वो कार्यस्थली थी? तो आप सभी ने पहले के क्लास में जो भी एनसीईआरटी की आप लोग की पढ़ाई गई है, बोध से संबंधित पढ़ाई गई है, उन्हें आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? तो बोध के बारे में पढ़ा है, बोध के बारे में पढ़ा है। बोध जो है वो बिहार में गया में जाकर के उन्होंने क्या किया था, शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ पे? पीपल के वृक्ष के नीचे में। पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो हमने बोध के बारे में पढ़ा था, अब बोध बिहारों के बारे में पढ़ा था। अब बोध बिहार है क्या? तो जहाँ पे, जहाँ बोध भिक्षुओं की जो रहने का जो स्थल होता है, जहाँ पे बोध भिक्षु जो है वो रहते थे, वो शरण लेते थे, उस जगह को बिहार कहा जाता था। क्लियर है? उस जगह को क्या कहा जाता था? बिहार जो है वो कहा जाता था। तो देखिए बौद्ध धर्म में बिहारों की अधिक संख्या के कारण, अब बौद्ध धर्म में क्या था, बिहारों की जो संख्या थी वो अधिक होने के कारण, या जो वहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे उन्हें बौद्ध बिहार कहा जाता था, उसकी संख्या जो है वो अधिक थी, तभी तो पता चलता है कि वहाँ जो बौद्ध भिक्षु है वो रहा करते थे, तो इसलिए इसका नाम जो है वो बिहार पड़ा था। क्लियर है? बिहार राष्ट्र का नाम जो है वो इसीलिए पड़ा था। अब बिहार जो है ये पाली भाषा से लिया गया। अब ये जो बिहार है ये किस भाषा से लिया गया था? तो ये पाली भाषा से लिया गया था। और बिहार का मतलब क्या होता है? अब ये जो बौद्ध भिक्षुओं वाला जो बिहार है इसका मतलब क्या होता है? तो बोध मठ होता है। तो क्लियर है बिहार को इसका नाम कैसे मिला था? तो अधिक बोध बिहारों के होने के कारण, यानी जो बोध भिक्षु थे उनके रहने के लिए जो निवास बनाया जाता था, जो स्थल बनाया जाता था, वो बोध बिहार उसको कहा जाता था, उसके अधिक होने के कारण जो है इसका नाम जो है हमारा बिहार पड़ा है। अब देखिए पूरब से पश्चिम तक बिहार की अधिकतम लंबाई जो है वो क्या है? अब पूरब से पश्चिम तक, यहाँ क्या पूछा है, पूरब से पश्चिम तक बिहार की अधिकतम लंबाई जो है वो क्या है? 453 है, 460 किलोमीटर है, 473 किलोमीटर है, या फिर 483 किलोमीटर है? तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, 483 किलोमीटर। देखिए पूरब से पश्चिम बोला है, इसे ध्यान रखना है कि बोला क्या है, पूरब से पश्चिम, जिधर से सूरज उगता है वहाँ से जिधर डूबता है वहाँ तक का। तो कितना होगा इसकी लंबाई, तो 483 किलोमीटर है। और अगर उत्तर से दक्षिण पूछ दे, अगर यहाँ पे पूरब पश्चिम ना हो, यहाँ पे उत्तर दक्षिण हो, कि उत्तर से दक्षिण तक बिहार की अधिकतम लंबाई कितनी है, तो 345 होगा। क्लियर है? 345 किलोमीटर होगा अगर उत्तर से दक्षिण पूछे। अगर पूरब से पश्चिम पूछता है बिहार की अधिकतम लंबाई, तो 483 किलोमीटर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? अब बिहार में जो राज्यसभा है उसकी कितनी सीटें हैं? तो 12 है, या फिर 16 है, या 27 है, या फिर 19 है? तो आप सभी को मालूम है, पहले भी आपको करवाया गया है कि बिहार में जो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, तो वो 16 है। और लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 40 है। और अगर पूछा जाए वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य है, तो 245 है। क्लियर है? यहाँ पर आपको नोट करके भी दे दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। बिहार में लोकसभा के 40 है और राज्यसभा के लिए 16 सीटें हैं। अब वर्तमान में अगर राज्यसभा के सदस्य पूछा जाए, तो 245 है।
नेक्स्ट देखिए बिहार का क्षेत्रफल कितना है। अब जो बिहार है उसका क्षेत्रफल कितना है, 91,163 वर्ग किलोमीटर है या 94,163 वर्ग किलोमीटर है या फिर 93,163 वर्ग किलोमीटर है या 94,164 वर्ग किलोमीटर है। तो आप सभी से ध्यान रखिएगा कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल। अब यहाँ है बिहार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत। अब जो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत होगा, तो 2.86% होगा। क्लियर है, बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बिहार का क्षेत्रफल, तो 2.86% जो है वो बिहार का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। अब जो पटना में सचिवालय गोलीकांड हुआ था वो कब हुआ था, 10 अगस्त 1947 में या फिर 11 अगस्त 1942 में या 9 जुलाई 1941 में या 8 सितंबर 1940 में। तो कब हुआ था सचिवालय गोलीकांड, 11 अगस्त 1942 में हुआ था। क्यों हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही ये जो है सचिवालय गोलीकांड ये हुआ था। और इसमें हुआ क्या था, तो इसमें 7 छात्र जो थे वो सचिवालय में झंडा फहराने के दौरान जो है उन्हें गोली मार दिया गया था। जो पुलिस थे उन 7 छात्रों को गोली मार दिया था और वहाँ पे जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका लक्ष्य क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन है इसका लक्ष्य क्या था, तो भारत का ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसे समाप्त करना, जो भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसे समाप्त करना इसका लक्ष्य था। अब यहाँ एक पॉइंट देख लीजिए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है, तो 12 है। क्लियर है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे कि भारत में जो बिहार का क्रम है वो क्या है, तो वो 12 है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने बिहार को सर्वप्रथम अपने राज्य में मिलाया था। कौन से मुगल शासक थे जिसने बिहार को सर्वप्रथम अपने राज्य में मिलाया था, तो वो कौन थे, बाबर थे, हुमायूं थे, अकबर थे या फिर जहांगीर थे। तो कौन थे, वो अकबर थे जिन्होंने सर्वप्रथम, ये कौन थे, मुगल शासक थे, अकबर जो है ये मुगल शासक थे, इन्होंने सर्वप्रथम बिहार को अपने राज्य में मिलाया था। यह है अकबर, बिहार को अपने राज्य में मिलाने वाले जो है वो पहले मुगल शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। अब जो बिहार है उसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे, भोपाल पवन शास्त्री थे, कृष्ण बल्लभ सहाय थे या श्री कृष्ण सिंह थे या दीप नारायण सिंह थे। तो इनमें से कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। ये आपको पहले भी बताया गया है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो है वो श्री कृष्ण सिंह थे, जो 31 जनवरी 1961 तक अपनी मृत्यु तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। अब ये कब तक रहे थे, तो ये जो है 31 जनवरी 1961 तक यानी मृत्यु तक जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, बिहार समुद्र तट से कितना दूर है। अब जो बिहार है वो समुद्र तट से कितना दूर है, तो 100 किलोमीटर, 170 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या फिर 300 किलोमीटर। तो बिहार समुद्र तट से कितना दूर है, तो 200 किलोमीटर जो है वो दूर है। अब बिहार के किस स्थान पर पूरा पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। अब जो बिहार है उसके किस स्थान पर, बिहार के कौन सा स्थान है जहाँ पर पूरा पाषाण युग जो है उसका अवशेष मिला है, तो कहाँ से मिला है इसके अवशेष, तो मुंगेर से मिले हैं। क्लियर है, बिहार के पूरा पाषाण काल के जो अवशेष है वो मुंगेर से मिले हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पूरा पाषाण के अवशेष बोला है, तो कहाँ से मिला है, मुंगेर से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान पर उत्तर पाषाण के अवशेष जो है वो मिले हैं। अब यहाँ देखिए क्या पूछ दिया है, बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण, वहाँ पे क्या था, पूरा पाषाण के जो अवशेष मिले थे वो कहाँ से मिले थे, मुंगेर से। अब यहाँ उत्तर पाषाण के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले थे, तो ये जो है चिरान से मिले थे। क्लियर है, उत्तर पाषाण के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं, तो चिरान से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अब जो चीनी यात्री ह्वेनसांग थे उन्होंने 625 से लेकर के 640 ईस्वी तक कौन सा विश्वविद्यालय था जहां इन्होंने अध्ययन किया था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, औदतपुरी का विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था या फिर नालंदा विश्वविद्यालय था। तो ह्वेनसांग ने कहाँ पर अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था। क्लियर है, ह्वेनसांग ने
नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन से चीनी यात्री है जिन्होंने 625 ईस्वी से लेकर के 640 तक अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में, तो ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था कब से कब तक, 625 से लेकर 640 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, मौर्य काल के इतिहास के मुख्य साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। अब जो मौर्य काल का जो इतिहास है उसके मुख्य साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो राजगीर से प्राप्त हुआ है, पटना से, या कुम्हरार से, या फिर गया से। तो मौर्य काल का अगर इतिहास का पूछे, मौर्य काल के इतिहास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। क्लियर है, कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो स्तंभ वाला हॉल प्राप्त हुआ है और बोध मठ जो है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, नगरों के प्राचीन और नए नाम में कौन सा मिलान सही नहीं है। अब इसमें से कौन सा मिलान है, यानी नगरों के प्राचीन नाम, जो प्राचीन नाम है, पहले के नाम है, और नए नाम में कौन सा मिलान सही नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ये सही है, औदतपुरी जो है अब बिहार शरीफ हो गया, इसका पुराना बिहार शरीफ का जो पुराना नाम है वो औदतपुरी है। बज्रासन, बोध गया का जो पुराना नाम है बज्रासन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर वैशाली और चंपारण हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल में बिहार का नाम क्या था। अब जो वैदिक काल है उसमें बिहार का नाम जो है वो क्या था, पावापुरी था, पुष्पपुरी था, या पाटलिपुत्र था, या फिर प्राचर्च था। तो क्या नाम था वैदिक काल में, जो बिहार का नाम था वो प्राचर्च था। क्लियर है, वैदिक काल में बिहार का नाम क्या था, प्राचर्च था। प्राचर्च का अर्थ क्या होता है, तो पूर्वी प्रदेश। यहाँ आपको दे दिया गया है, वैदिक काल में बिहार का नाम जो है वो प्राचीन था, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, तो पूर्वी प्रदेश होता है। अब पटना का प्राचीन नाम जो है वो पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी और कुसुमपुर था। क्लियर है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है, पुष्पपुरी है, और कुसुमपुर था। प्राचीन नाम यानी पुराना नाम, पटना का पुराना नाम जो है वो पाटलिपुत्र था, पुष्पपुरी था, और कुसुमपुर था। अब बिहार की जनजातीय विद्रोह, अब जो बिहार है उसका जनजातीय विद्रोह जो है वो क्या है, तो मुंडा विद्रोह है, कोल विद्रोह है, और संथाली विद्रोह है। नेक्स्ट देखिए, बिहार युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब जो बिहार युवक संघ है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1926 में, 1927 में, 1928 में, या फिर 1929 में हुई थी। तो कब हुई थी, तो 1928 में हुई थी। बिहार युवक संघ की स्थापना किसने की थी, प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में मोतिहारी में 1928 में हुई थी। क्लियर है, जो बिहार युवक संघ है इसकी स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, तो प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में, कहाँ पर हुई थी, मोतिहारी में, और कब हुई थी, तो 1928 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब यहाँ क्या पूछा है, तो बिहार के निम्नलिखित शहरों में से बिहार का कौन शहर है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं बोला है, नहीं करता है, तो मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, या पूर्णिया। तो कौन नहीं करता है नेपाल के साथ सीमा साझा, तो पूर्णिया जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब कौन कौन शहर है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, किशनगंज है, सुपौल है, अररिया। ये सारे जो है, ये सारे शहर जो है बिहार के, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिहार में पूरब से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या है। अब जो बिहार में जो पूरब से पश्चिम की ओर जो नदियां है उसका क्रम क्या है, तो महानदी सबसे पहला जो है, किधर से पूछा है, पूरब से पश्चिम पूछा है, तो पूरब से महानदी पहला है, फिर है कोसी नदी, फिर है कमला नदी, फिर है बागमती, फिर है बूढ़ी गंडक नदी। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो कोसी है ये आकर के कमला नदी में ही मिलती है। क्लियर है, ये जो कोसी नदी है ये कमला नदी में आके मिलती है। अब एक क्वेश्चन और है कि बिहार का सबसे खूबसूरत शहर कौन सा है, कौन सा शहर है जो बिहार का सबसे खूबसूरत शहर कहा जाता है जिसे, तो कौन सा होगा, तो मधुबनी होगा। क्लियर है, बिहार का सबसे खूबसूरत शहर कौन सा है, तो मधुबनी है। अब ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये अपनी समृद्ध कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। मधुबनी जो है ये क्यों जाना जाता है, ये अपने समृद्ध कला और संस्कृति के कारण ये जाना जाता है। मधुबनी पेंटिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपनी कला के कारण जो है वो प्रसिद्ध है। तो क्लियर है यहाँ तक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट्स अगर होगी आप लोग की, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्लास से हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है इसे हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है ये आपके सिलेबस में जो है वो क्लियर रूप से दे दिया गया है कि आपको इसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे ही। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे शुरू कर देंगे। और ये जो बिहार स्पेशल जो जीके है ये ऐसे ही चलता रहेगा, आपका हर रोज जो है ये क्लास होता रहेगा, और साथ में भारतीय
संयुक्त राष्ट्र आंदोलन जो है ये भी साथ में चलता रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को दूसरे तक शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।